मैं हूँ आपके साथ दीप्ति तिवारी। नवविवाहिता का शव फांसी पर लटका मिला, परिजनों ने लगाए प्रताड़ना के आरोप। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अमेठी में शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर मेहमानपुर गांव में बुधवार सुबह एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजन उसे आनन फाना में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, शादी को 9 महीने भी नहीं हुए हैं पूरे। मृतक की पहचान 22 वर्षीय महिमा के रूप में हुई है, जिसकी शादी इसी साल 4 मार्च को बाराबंकी जिले के सुबेर थाना क्षेत्र स्थित अहीर गांव निवासी संजय तिवारी की बेटी के रूप में गांव के रहने वाले राम मनोहर मिश्र के बेटे रोहित के साथ हुई थी। मृतका के शरीर पर चोट के हैं निशान। परिजनों के अनुसार घटना के वक्त महिमा का पति रोहित खेत में ट्रैक्टर लेकर जोताई करने गया हुआ था, जबकि घर के अन्य सदस्य मौजूद थे। महिमा के शव पर चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे मामला और संदेहास्पद होता जा रहा है। बहन ने लगाए गंभीर आरोप। मृतका की बहन ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा कि रोहित हर छोटी बड़ी बात पर शक करता था और महिमा को मारता पीटता था। उसने ये भी आरोप लगाया है कि महिमा को शादी के बाद से ही लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। पुलिस का बयान। शिवरतनगंज थाना प्रभारी सच्चिदानंद राय ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जाँच के आधार पर कुछ साक्ष्य जुटाए गए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। उन्होंने आगे ये भी बताया है कि मृतका के परिजनों की शिकायत दर्ज कर ली गई है और सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है। गांव में फैला शोक। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।